मेन जीटी रोड पर वाकई बेशुमार अमेनिटीज के साथ लाहौर की सबसे बड़ी जामिया मॉस्क, एफिल टावर, बुर्जल अरब, थीम पार्क, बेहतरीन कम्युनिटी क्लब, बच्चों की आला तालीम के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी 24/7, पावर बैकअप 24/7, सिक्योरिटी सिस्टम, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, वाइड रोड, ये तमाम तरह अमेनिटीज जिस प्रोजेक्ट में आ रही है उसका नाम है अल कबीर ऑर्चर्ड ओवरसीज प्राइम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम मुनव्वर शर्फ, स्काई एल्टोस के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल कबीर ऑर्चर्ड जो कि बेशुमार अमेनिटीज दे रहा है, काला शकाकू वाली साइड पर बेशुमार सोसाइटीज मौजूद हैं, लेकिन अल कबीर डेवलपर्स 3 और 5 मरला की कटिंग के साथ साथ वो अमेनिटीज आपको देने जा रहा है जो कि एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट में अमेनिटीज तो बहुत ज़्यादा, इसकी जो पेमेंट प्लान है बहुत ज़्यादा रीजनेबल, 3 मरला 5 मरला के रहायशी प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, इजी डाउन पेमेंट, और जो टोटल प्राइस है वो भी मुनासिब। तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैं आज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि अपना काला शाह काकू मेन जीटी रोड के ऊपर लोकेट कर रहा है ये प्रोजेक्ट। आप अल कबीर डेवलपर से पहले भी बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन आज मैं आपको इसके जो नया ब्लॉग चल रहा है ओवरसीज प्राइम, इसके बारे में कुछ अपडेट करूँगा कि ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कैसा है और इसमें क्या क्या अमेनिटीज़ दी जा रही हैं और ओवरसीज़ प्राइम को सेक्टर ए से ज़्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है। तो ये तमाम तरह चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताता चलूँ अमेनिटीज़ का नादरीन, कि अमेनिटीज़ देखें कि कोई भी प्रोजेक्ट है, लाइक के इधर आप ये बहरिया टाउन की सराउंडिंग में देख लें, बेशुमार प्रोजेक्ट है। बहरिया टाउन तो खैर एक एशिया का सबसे बड़ा डेवलपर है, इसमें जो अमेनिटीज़ हैं वो एक लाइक के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की इसमें अमेनिटीज़ हैं, लेकिन इसकी सराउंडिंग में भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपना अमेनिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्लॉट की वर्थ है, जो मिनिमम उनका जो 5 मरले का प्लॉट लगा लें आप, वो 90 लाख से 1 करोड़ तक से शुरू होता है। 3-5 मरले के प्लॉट की बात कर रहा हूँ। तो अल कबीर डेवलपर काला शाह काकू जो कि एक नहायत ही बेहतरीन लोकेशन है, जो कि एक नया लाहौर आबाद हो रहा है, जैसे कि पहले अपना मोटरवे से वो रावी इंटरचेंज एक लाहौर को ज्वाइन करने के लिए सबसे बेहतरीन जो इंटरचेंज माना जाता था उसको क्लोज करके अब काला शाह काकू इंटरचेंज दिया गया है, जहाँ पर कि आप कह लें कि लाहौर एक असल लाहौर जहाँ पर आगे आबाद होने जा रहा है। जितने भी डेवलपर हैं जो कि अपना जितने भी प्रोजेक्ट्स मार्केट में लॉन्च करते हैं रियल एस्टेट के मुतालिक, तो वो तमाम तरह बड़े बड़े डेवलपर्स इसी एरिया का इंतखाब कर रहे हैं। अल कबीर ऑर्चर्ड वाली साइड है जो काला शाह काकू, यहाँ पर नाजरीन अगर अमेनिटीज़ के चलो मैं बात आगे आपको करता हूँ, इसमें सराउंडिंग बताता चलूँ कि ये वाला एरिया इतना ज़्यादा बेस्ट क्यों है, क्योंकि पहले लोकेशन आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि देखें कि सबसे पहली बात उधर आ जाता है कि अपना लाहौर स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा डेवलपर है, जिसने एक अपना अपना कैपिटल स्मार्ट सिटी आप विज़िट करें तो उसके मुकाबले में जब आप सोचते हैं कि ये लाहौर स्मार्ट सिटी इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपना डिज़ाइन कर रहा है इसी लोकेशन काला शाह काकू के ऊपर, उसके बाद अपना आ जाता है अल कबीर ऑर्चर्ड जो कि अपना सबसे मेगा प्रोजेक्ट अल कबीर डेवलपर्स का, वो भी काला शाह काकू वाली साइड पर आ रहा है। एस ए गार्डन, इकबाल गार्डन, आडम हाउसिंग सोसाइटी और सुप्रीम सिटी, बेशुमार सोसाइटी इसी रोड के ऊपर मौजूद नाजरीन लोकेट करती हैं। तो बात खैर आ गई, अपना आपसे अमेनिटीज़ के बारे में डिस्कस करना था अल कबीर ऑर्चर्ड ओवरसीज़ प्राइम की। तो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉग जो होता है मौजूद नाजरीन, वो कोई भी वट एवर कोई भी प्रोजेक्ट है उसका जो ओवरसीज़ ब्लॉग होता है वो आप कह लें कि वो सोसाइटी का हार्ट होता है। सबसे मेन जो ब्लॉक जिसको कंसीडर किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमेनिटीज़ होती हैं, वो ओवरसीज़ ब्लॉक होता है। तो इसी तरह इनका ओवरसीज़ प्राइम जो कि अमेनिटीज़ की बात इसमें करनी है आपसे, कि देखें कि 3 मरला और 5 मरला के सिर्फ अभी इसमें रेजिडेंशियल आपको प्लॉट दिए जा रहे हैं, लेकिन अमेनिटीज इसमें आप देखेंगे आपको जो मेन बुलेवार्ड मिल रहा है जो कि अपना अल कबीर ऑर्चर्ड गेट नंबर 2 से जो मेन बुलेवार्ड जा रहा है, 300 फीट का मेन बुलेवार्ड जा रहा है। एक अच्छा खासा देख लें कि बड़े बड़े डेवलपर जो होते हैं वो भी इतना बड़ा बुलेवार्ड नहीं देते जितना अल कबीर डेवलपर्स दे रहे हैं। मेन बुलेवार्ड इतना बड़ा
वाइड रोड, उसके बाद अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी आजकल आप जितने भी मार्केट में प्रीवियस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो कुछ शादो नाजर प्रोजेक्ट हैं जिनकी के अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अंडरग्राउंड किया गया है, लेकिन अलकबीर डेवलपर शुरू से जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स मार्केट में लेके आता है उसके जो अपना इलेक्ट्रिसिटी के मामला होते हैं सारे अंडरग्राउंड होते हैं, और उसका पावर बैकअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो आप लोड शेडिंग कह लें उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी मिसाल इनके मेन रायमंड रोड के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं, लोग उधर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लोगों ने अपना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया और ज़िंदगी भी लोग वो तमाम तर चीज़ें उधर इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में मौजूद हैं जो कि एक रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, वो तमाम तर चीज़ें इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर मिलती हैं। तो अमेनिटीज़ में ये इलेक्ट्रिसिटी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। इसके बाद अब जो कि बातें अभी तो लोगों को ख्याल लगती हैं कि इस तरह भी होगा, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला हकीकत होगा, क्योंकि अलकबीर डेवलपर्स ने जितनी भी कमिटमेंट्स की हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरा है। वो कमिटमेंट में जो चीज़ें आ रही हैं नाज़रीन, के लाहौर की सबसे बड़ी जामिया मॉस्क दी जा रही है इसी ओवरसीज ब्लॉक के अंदर, जो कि तुर्किश डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन की जाएगी, और उसके बाद एफिल टावर दिया जा रहा है। एक तो एफिल टावर जो आपने पैरिस में देखा, और उसके बाद हमारे इधर बहरिया टाउन में भी एफिल टावर एक लोकेट करता है। उसके बाद बुर्ज अल अरब पहली दफ़ा अपना लाहौर में उस तरह की एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, वो बनाई जा रही है अलकबीर ऑर्चर्ड के अंदर। उसके बाद डिज्नीलैंड जो कि एक शानदार अपना व्यू देता है सोसाइटी को, सोसाइटी के एनवायरनमेंट को, उसके बाद थीम पार्क आ जाता है जो कि हर मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर थीम पार्क लोकेट करते हैं, वो अपना अलकबीर डेवलपर्स अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर थीम पार्क दे रहा है। उसके बाद अपना एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए बेहतरीन कम्युनिटी क्लब दिया जा रहा है आपको। उसके बाद जो कि सेहत के रिलेटेड के सेहत है तो सब कुछ है, आपको मेडिकल कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा है, और बच्चों की आला से आला तलीम के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल के स्कूल इधर आपको दिया जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो मेन किरदार अदा करती है, और 24/7 पावर बैकअप, 24/7 सिक्योरिटी सिस्टम, के पूरी जो सोसाइटी है वो अपना सीसीटीवी से कंट्रोल्ड होगी, हर एक छोटी से छोटी स्ट्रीट, हर एक पहलू को मॉनिटर किया जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करने का मकसद यह है नादरीन कि आप आज ओवरसीज ब्लॉक से अच्छे से वाकिफ हो सकें कि असल में ये ओवरसीज ब्लॉक क्या आपके लिए एक बेहतरी है, किसमें इन्वेस्टमेंट करना सेक्टर ए से भी ज़्यादा अब इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट क्यों साबित हो रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। उसके बाद नादरीन इसकी जो लोकेशन है ओवरसीज प्राइम की वजह से, मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका जो ओवरसीज ब्लॉक होता है वो बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक उसको बनाया जाता है। तो इसलिए अपना इसमें अभी लाइक के जो नए क्लाइंट्स हैं जो अभी अलकबीर डेवलपर्स का हिस्सा नहीं बने, वो भी अलकबीर में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो जब पुरानी डील में जाते हैं तो उसका एक एक साल का जो पेमेंट प्लान है वो अभी तक पेड हो चुका है, तो अभी पूरे एक साल की साथ में इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती हैं, डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, फिर जाके वो अपना इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनते हैं। लेकिन ओवरसीज़ में आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लाइक अगर 3 मरले का प्लॉट हासिल करना चाहते हैं तो जस्ट 2 लाख डाउन पेमेंट आपने देनी है, और आप अपने प्लॉट के फौरी तौर पर मालिक बन जाएंगे। आगे इसकी 8,500 रुपये इसकी महाना एक किस्त है जो उनके आपने आगे नेक्स्ट मंथ से आपने इसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो जस्ट अभी आपने 2 लाख से अपने प्लॉट के मालिक बन जाना है, तो ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मौजूद नाज़रीन। इस अपॉर्चुनिटी का मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ़ायदा उठाएँ, आने वाले दिनों की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगी इंशाल्लाह ताला अलकबीर ऑर्चर्ड के जितने भी अभी तक डील लॉन्च की गई है। इसकी ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा, इसमें ये है कि आप इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें। मैं अक्सर बैकग्राउंड हिस्ट्री पे बहुत स्ट्रिक्टली बात करता हूँ कि आपने किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उसका शिजरा नसब देखें, उसका बैकअप देखें कि उसने मार्केट में पीछे किस तरह काम किया। तो इनकी एक प्रोजेक्ट की अगर आज हम मिसाल ले लें, इनका अलकबीर टाउन फेज़ 1 आया, फिर अलकबीर टाउन फेज़ 2 आया जो कि अपना 2017 के एंड 18 आप लगा लेके अपना जब लॉन्च किया गया, 15 लाख रुपये का प्लॉट लॉन्च किया जो कि 10,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट पर दिया गया था। आज वही प्लॉट अल्हम्दुलिल्लाह नादरीन 55 लाख से लेकर 70 लाख रुपए का आपको अलकबीर
टाउन फेस टू के अंदर प्लॉट मिलता है 2018 से लेकर अब की बात कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको बात करने का मकसद था कि कोई हवाई बात नहीं, एक प्रैक्टिकली एक आंखों देखी अपनी सर्विस के मुताबिक, एक अपने आंखों से जो मैंने मामला देखे हैं अल कबीर के, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाएं, इसमें बुकिंग करें ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में, बहुत अपना फ़ायदेमंद इंशाल्लाह ताला ये डील साबित होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली अपडेट आप तक बआसानी पहुँचती रहे। मैं आपका मुनव्वर शाह, दुआ में याद रखिएगा।